चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लास्ट में दिल दहलाने वाली खबर को मिस ना करें। पेशाब कांड मामले में एयर इंडिया पर एक्शन, DGCA ने 30 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। वेदर रिपोर्ट, नई दिल्ली घने कोहरे के कारण उत्तर रेलवे की 16 ट्रेन प्रभावित हुई। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बांटेंगे 71,000 नियुक्ति पत्र। त्रिपुरा में कांग्रेस की बाइक रैली पर हमले की जांच होगी, ईसी ने दिया आदेश। बिहार में जातिगत जनगणना के फैसले पर रोक की मांग पर एससी करेगी आज सुनवाई। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू हत्याकांड में पीएफआई के 2 सदस्यों के खिलाफ 5 लाख का इनाम। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्चुअल बैठक शाम 5:45 बजे, पहलवानों की शिकायतों पर होगी चर्चा। केरल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 60 दिन की मैटरनिटी लीव की घोषणा की गई। बड़ी खबर, राजस्थान में आधे हो जाएंगे गैस सिलेंडर के दाम, गहलोत का चुनावी साल से पहले बड़ा फैसला। फिक्स डिपॉजिट करने पर मिल रहा है 9% का जोरदार ब्याज, यूनिटी बैंक की स्पेशल स्कीम आई है निकल कर। साइबेरिया में 62.7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का तापमान, टूटा 21 साल का रिकॉर्ड। मकर संक्रांति गणतंत्र दिवस को देखते हुए लखनऊ में पीएम मोदी 144 धारा लागू करेगी। ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका में फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पोवेल कोरोना से संक्रमित हुए। जोशीमठ संकट पर गृह मंत्री अमित शाह हुए चिंतित, सीएम धामी से कॉल पर करी बात। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजों पर प्रेजेंटेशन देंगे वे प्रदेश अध्यक्ष।